सबसे लास्ट केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। आज करेंगे टूर केदार घाटी का, टाइम 8:30, डेट 30 जुलाई। तो चलो फिर लेट्स मूव। और शायद एक दो दिन में कर्णप्रयाग निकल जाएंगे वहाँ से, तो 2-3 दिन का टूर रहेगा। छोटी सी मार्केट है, चलो गुरुदेव नमस्कारम। बस सब बढ़िया, घूमी घूमी आए गाड़ी का खड़ी आओ या उन चढ़ा चढ़ा उन। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अच्छा ठीक 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 सर बनो जरा यार उधर पे आता। तो ये है जी मार्केट, रुद्रप्रयाग। अरे ये तो बहुत बड़ी यार भाई, आए साइकिल लेने हो गया कर दिया यार बन। तो ये मिल गया है थर्रा, हाँ तो दौड़ जा रहे हैं इंश्योरेंस, ओ सॉरी पॉल्यूशन है, हाँ 100 रुपये 100 रुपये का है और ये चलेगा 1 साल नई बाइकों के लिए, और पुरानी जो बाइक हैं उनके लिए ना 100 रुपये का है बट वो चलेगा 6 महीने। तो पॉल्यूशन हो गया बाइक का, आज जाएंगे बद्रीनाथ हाईवे पे। तो ये है रुद्रप्रयाग मार्केट, पॉल्यूशन नहीं था बाइक का और आजकल पुलिस वाले बड़ी चेकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश है कि डॉक्यूमेंट पूरे रहें जिससे परेशानी ना हो आगे। और आज हम जाएंगे नंद प्रयाग से थोड़ा सा पहले है, तो नंदा के नी जो संगम है उसको भी दिखाएंगे, कल सुबह जाएंगे एक चक्कर। और ये है रुद्रप्रयाग मार्केट जो चल रही है अभी, और लगभग 2.5-3 किलोमीटर की मार्केट है। तो और पहाड़ों की मार्केट 2.5-3 किलोमीटर बहुत हो गया, मतलब काफ़ी लंबी मार्केट है 2.5-3 किलोमीटर, नहीं तो 200-300 मीटर पर सिमट जाती है। और अभी एक बार जाएंगे आर्मी कैंटीन, कैंटीन में लेंगे कुछ परचून का सामान, स्टोर में जाएंगे कैंटीन के, लिक्वर तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि आर्मी पर्सन है नहीं आज, आज है सिविल आदमी। तो हाँ तो लिक्वर नहीं लेंगे, तो आज लेंगे जनरल स्टोर जाएंगे कैंटीन के, तो पता नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, कार्ड तो है अपने पास, ये देखना पड़ेगा भैया। वैसे भी जो यहाँ पे अभी आर्मी जो डिपो जिनके हैंड ओवर है वो हैं अपने वहाँ के, कहाँ के सारे केरला के यार, अभी तो बंद ही है भाई साहब ये तो। यह है कैंटीन, क्या लिखा हुआ है सूचना, 28 जुलाई 2021 दिनांक, तो आज तो वैसे भी 30 है। तो ये है जनरल स्टोर कैंटीन का,
ये यो प्रेस बेबी जॉनसन तो आइटम है बेबी जॉनसन ऑयल और एक पाउडर ना, ये ऑयल आ गया बेबी जॉनसन, एक पाउडर भी है। हाँ देखो मैं बेबी जॉनसन पाउडर प्रेस तो ये रही यार, फिलिप्स क्या सही है, एक दो है फिलिप्स के, नंबर वन दो है ना, एक अलग है ये अलग है, ये वाले ले लेंगे ना। क्या रेट है इसका, 2295 रुपये है, नीचे वाली का कम होगा 1575। तो तीन आइटम होगी, ये हो गया बेबी ऑयल, वन बीटा हो गया, हाँ सॉरी चार आइटम होगी, पांच आइटम लेनी थी, पैनासोनिक का हो गया और एक वो हो गया। तो चलो इसको करवाते हैं। ये है बिलिंग काउंटर, एक ये है, ये खाली है और एक ये है। तो टोटल आइटम भी छः, सबसे लास्ट केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री और नीचे आर्मी ट्रूप्स, और ये पता नहीं कहाँ की यात्रा है, केदारनाथ की डोली है वो, और ये रहा कैंप एरिया। और फिर अपने पास ये मटेरियल रखेंगे इधर ही रुद्रप्रयाग कहीं, और आज जाना हमको कर्णप्रयाग। चलो भैया, तो एक बात आज पता चली है कि शराब वाइन जो भी को इसकी कितनी अहमियत है। आर्मी पर्सन जो हैं, रिटायरमेंट है या ऑन सर्विस हैं, तो आपको स्टोर का सामान तो मिल जाएगा, कोई भी आदमी कार्ड ले जाके रिसीव कर सकता है या ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, उसकी जितनी भी लिमिट है, और हर रैंक के हिसाब से अलग अलग लिमिट होती है हर एक पर्सन के लिए, जिसकी रैंक छोटी है उसके लिए कम, और जिसकी ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा, और वैसे ही वाइन में भी है। तो वाइन आपको मिलेगा नहीं थर्ड पर्सन को, उसके लिए अगर कोई मतलब नहीं जा सकता, असक्षम है ऐसे कुछ है तो नहीं जा सकता है, कुछ कारण है, बीमार है कुछ है, तो उसके लिए आपको कार्ड बनाना पड़ेगा, और विदाउट कार्ड सॉरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और विदाउट अथॉरिटी आप लिखकर जो स्टोर है उसमें एंटर नहीं कर सकते, और आपको एंटर करने के बाद भी आपको मिलेगा नहीं, पहले तो एंटर ही नहीं कर सकते हो, अगर एंटर कर भी दिया तो मिलेगा नहीं, बट जो इनका जनरल स्टोर है उसमें आप इजीली कार्ड ले जाके कोई भी आदमी ले सकता है। और ये है रुद्रप्रयाग मार्केट, और यहाँ से हम लोग जो ये सामान लिया है इसको रखेंगे केदारनाथ वाली रोड पे जाके आगे कहीं किसी दुकान पे, और इसको लेके जाएंगे कल या परसों में जाएंगे घर, तो इसको कल परसों लेके जाएंगे, आज तो हम जाएंगे कर्णप्रयाग साइड। तो टोटली जो ओल्ड है NH 58 जो कि अब 07 बता रहे हैं, और उस पर जाएंगे। तो ये मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग की, ये बाइक पार्किंग है यहाँ पे, कभी यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, लेकिन ये काम लगा जो ऑल वेदर रोड का, तो उस टाइम इन लोगों ने क्या कर दिया, उस मंदिर को क्या कर दिया, गिरा दिया, तो हनुमान मंदिर हुआ करता था बहुत बड़ा पीपल के पेड़ के बगल में। और रोड की हालत आप देख सकते हो, अभी भी कोई ज़्यादा चौड़ी तो हुई नहीं, वही है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फीट बड़ी होगी, उससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ। ये जाम की स्थिति अभी भी है, ये सिचुएशन है कि एक ट्रक चलने के बाद एक कार नहीं चल सकती है, ठीक है ना, तो सिचुएशन वही है, बस ये है कि थोड़ी बहुत जो नालियाँ बनी हैं ऊपर नीचे, और ये दिखा रहा है साइन बोर्ड 113 किलोमीटर बद्री जोशीमठ, 157 बद्रीनाथ, गुप्त काशी 42, केदारनाथ 89। और यहाँ से हम अगर हो जाते हैं बाएं तो ये गया केदारनाथ, और जो सीधा गया वो आ गया बद्रीनाथ। ये है केदारनाथ रोड जो यहाँ से स्टार्ट होता है 107 NH नेशनल हाईवे, और तिलवाड़ा यहाँ से जो फर्स्ट मार्केट है छोटी सी 9 किलोमीटर है, कुंड 35, कुंड से जो तुंगनाथ चोपता वाला रूट है वो निकल जाता है अपना राइट हैंड साइड को, तो और लेफ्ट पुल क्रॉस करके निकल जाएगा गौरी कुंड वाला रूट केदारनाथ वाला, और यहाँ पुल क्रॉस करते ही अगर आप राइट जाते हो तो ये चला जाता है कार्तिक स्वामी, जो कि काफ़ी टॉप में एक मंदिर है कार्तिक स्वामी का,
और इधर से आप पोखरी कण पे आग निकल सकते हो। मटेरियल रखेंगे यहाँ पे स्वीट शॉप पे, जगवान स्वीट शॉप पे, और हम जाएंगे आज कर्णप्रयाग। तो येरा दो आइटम मेरे पास हैं, दो आइटम भाई के पास हैं। तो हरीश भाई धुलाई कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत 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 धन्यवाद महाराज, नमस्कार। हम उन लहन सी परस्यो बोला परस्यो जब भी बोलना, चलो ठीक था भाई।